नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। रीवा जिले के चाघाट स्थित एमपी यूपी की सीमा पर लगातार वन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही चल रही है। दो सीमाओं के बीच वन विभाग चाघाट रेंजर अवैध रूप से लकड़ियों के परिवहन पर रोकथाम लगा पाने में फेल साबित हो रहे हैं। बता दें कि चाघाट बॉर्डर वन विभाग चेक पोस्ट से आधा किलोमीटर पूर्व ही चाघाट मल्लाटी टोला होते हुए प्रतिदिन लकड़ियों का खेप ट्रैक्टर पिकअप सहित अन्य माध्यमों से यूपी जा रहा है। इसके संबंध में वन विभाग के रेंजर राजकुमार यादव व अन्य कर्मचारियों को स्थानीय लोगों द्वारा अवगत कराया गया, परंतु कोई भी जांच पड़ताल एक्शन जमीनी धरातल में नहीं दिख रहा है। लकड़ियों का खेप कहां से आ रहा है और यह वाहन कुछ कदमों में बने वन विभाग चौकी से क्यों नहीं गुजर रहा है, लोगों के मन में कई तरह के प्रश्न चिन्ह बने हुए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इन लकड़ियों के परिवहन करने वाले वाहनों के पास कोई वैध कागज मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से यह ऐसे मार्गों का उपयोग कर यूपी की ओर जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सूचना पर कर्मचारियों द्वारा बोला जाता है कि तुमसे क्या लेना देना है। जनता जनार्दन द्वारा टैक्स के माध्यम से प्रतिमाह मोटी मोटी तनख्वाह पाने वाले अधिकारी कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं और अपने दायित्वों को नहीं निभा रहे हैं। कई कर्मचारी ऐसे भी हैं जो अंगद की तरह पांव जमाए हुए हैं और इनका स्थानांतरण न होने से जमकर मिलीभगत की जा रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।